आईपीएल 2023 दिल्ली महिला आयोग DCW ने लिया एक बहुत ही बड़ा फैसला। सुमन गिल की बहन को सोशल मीडिया पर ट्रोल करने वालों के खिलाफ अब होगी कार्रवाई। दिल्ली महिला आयोग ने भारतीय क्रिकेटर सुमन गिल की बहन को ट्रोल करने, अपशब्द कहने और मारने की धमकी देने वालों के खिलाफ एक सख्त रुख अपनाया है। साथ ही आयोग ने दिल्ली पुलिस को 26 मई तक एक कंप्लीट कार्रवाई रिपोर्ट सौंपने को कहा है। दरअसल आईपीएल 2023 के आखिरी लीग मैच में सुमन गिल ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ एक शानदार शतक की पारी खेली थी। सुमन गिल के इस शानदार शतक के दम पर गुजरात टाइटंस ने RCB को हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था, जिसके बाद सुमन गिल की बहन सहनील गिल को सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया गया है। दिल्ली महिला आयोग ने नोटिस में कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर और इंस्टाग्राम पर गिल की बहन के लिए लिखी ये पोस्ट धमकी भरी और काफ़ी ज़्यादा अपमानजनक हैं। उन्हें मारने तक की धमकी दी जा रही है, जो कि बहुत ज़्यादा आपराधिक है। यह एक काफ़ी गंभीर मामला है और इस पर तुरंत कार्रवाई करने की ज़रूरत है। दिल्ली महिला आयोग की हेड स्वाति मालीवाल ने सोमवार को सोशल मीडिया पर सुमन गिल की बहन को ट्रोल करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि भारतीय बैट्समैन की बहन को गाली देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।